करके गए हैं वो नकारा निकम्मा है। एक बार सचिन पायलट के लिए कहा था, फिर से एक बार नकारा निकम्मा वाली बात सामने आ गई। मुझे लगता है उनके अलावा सभी उनको नकारा और निकम्मे दिखते हैं, वही योग्य दिखाई देते हैं अपने आप को। और उस योग्यता की दूसरी बार परख जालोर और सिरोही में होने वाली है, उसका नतीजा भी 4 जून को आने वाला है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी जो स्कीमें थी वो अब प्रदेश सरकार बंद कर रही है, और कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनकी कौन सी स्कीम थी और कौन सी बंद हो गई। आपने 5 वर्ष तक राजस्थान में दोहन किया, सत्ता का शोषण किया जनता का। अगर आपने वास्तव में राजस्थान की भलाई के लिए काम किया होता तो राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होता। आपने वास्तव में जनता के भले के लिए सोचा होता तो ERCP जमीन पर होती। आपने वास्तव में जनता के लिए सोचा होता तो यमुना जल समझौते पर आप हस्ताक्षर करा लेते। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप अपने प्लॉट के अलावा पड़ोस के प्लॉट का भी नक्शा पास करा लोगे क्या? तो ERCP पे आपका मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं है और आप कह रहे हो कि हमने ERCP सैंक्शन कर दी, बजट में ले आए। किस प्रकार से 5 वर्ष तक जनता को गुमराह किया और उसका परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है। लेकिन मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहले 100 दिन में भारत सरकार के सहयोग से, मोदी सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के साथ की भी समझौता हुआ और उस योजना को आगे बढ़ाया। यमुना जल समझौता जिसकी कल्पना नहीं की थी उस काम को भी अमली जामा पहनाया। बिजली के मामले में जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई, आप देखिए किस प्रकार का समझौता किया कि हमारे महीने आए इस राज्य को बिजली देंगे। बिजली के क्या हालात खड़े कर दिए, कौन जिम्मेदार है उसका? लेकिन हम आज राजस्थान की जनता से वादा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से बिजली का समझौता किया है, आने वाले समय में राजस्थान बिजली के मामले में 100% आत्मनिर्भर होगा, ये जनता से वादा उन्होंने किया है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दोहन किया और उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, बिजली में भी आत्मनिर्भर होगा और जिन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भी काम 5 वर्ष में और धरातल पर दिखाई देगी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। वैसे 4 जून को लोकसभा का परिणाम है और राजस्थान में कितनी सीटें आ रही है? कांग्रेस कह रही है कि हम कम से कम 10 सीटें जीत रहे हैं और इस बार BJP का बंटाधार हो जाएगा, ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं लोग। देखिए कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो नेशनल पार्टी है, जिस पार्टी के नेताओं ने इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में शासन में रहे, सत्ता में रहे, लोकतंत्र की इस प्रणाली का हिस्सा रहे, लेकिन उन पार्टी के नेताओं को शब्दों का इस्तेमाल जिस प्रकार से हो रहा है, मुझे लगता है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से भी बदतर है। क्षेत्रीय पार्टियां भी कम से कम ठीक से अपनी भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तो उससे कहा कि भाजपा आएगी तो ये कर देगी, हम ऐसा कर देंगे, बंटाधार हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से फिर से उस परंपरा का आगे बढ़ाने का काम राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से होगा, भाजपा की प्रचंड जीत होगी। इन्होंने विधानसभा 156 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, क्या हुआ? राजस्थान की जनता ने जवाब दिया और अब भी राजस्थान की जनता का विश्वास भाजपा पर है, मोदी जी के ऊपर है। इन्होंने कई तरह के झूठी बातें कही, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया।
लेकिन 4 जून को इनको जवाब मिलेगा। वैसे ये हर बार ये गोविंद सिंह डोटासरा जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार, हर बार बयान में स्टार्टिंग से पर्ची की सरकार का बयान देते हैं, क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं तो डोटासरा जी को फिर से मुख्यमंत्री जी का वो कार्यक्रम और भाषण याद दिलाता हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रिएक्शन के बाद तो कोई शर्म से ही इस प्रकार की बात नहीं करे, अपना मुंह नहीं दिखाए कि जहां शिक्षकों के सम्मेलन में शिक्षक कुर्सी पर उछल उछल कर कहे कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से उस बयान को फिर से देखना चाहिए उनको, और उनको बोलने से पहले आकलन करना चाहिए कि आपकी सरकार में क्या हुआ था। वो चिट फंड की सरकार थी, लेकिन ये सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि पेपर लीक करने वाले लोग कैसे जेल के अंदर जा रहे हैं, इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि अपराध करने वाले लोग जेल में कैसे जा रहे हैं, इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि जिन प्रकार के माफियाओं को इन्होंने पनपाया है उन पर प्रहार कैसे हो रहा है, इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है उस पर प्रहार कैसे हो रहा है। तो छटपटाट होना स्वाभाविक है। सर, आपके जल संसाधन मंत्री हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे, व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं फेल नजर आए, और जल और जल है तो कल की तर्ज पर सीएम ने मोर्चा संभाला है, किस तरह से मंत्रियों को आप देखते हो? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल बहुत मुस्तैदी से राजस्थान की जनता को अपना परिवार मानकर जवाबदेही से उस काम को कर रहे हैं, और लगातार मॉनिटरिंग करके लगातार जिलों से, जिलाधिकारियों से और वहाँ की स्थिति का आकलन करके